तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी। सॉफ्टवेयर का नाम है ज़ैम्प। आपको ज़ैम्प को ना डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा डाउनलोड 64 बिट ज़ैम्प, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सर ये नीचे वाले क्या चीज़? नहीं, थर्ड ये वाला थर्ड यूज़ करना है हमें, थर्ड थर्ड नहीं, ये वाला, ये वाला अभी चल रहा है तो ये वाला सही रहेगा हमारा। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आता, वो थोड़े बहुत फीचर्स हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये इसके लिए जैम के लिए, ये लाइनस के लिए, और ये मैकबुक के लिए। ठीक है, तो आपको ये वाला प्लगइन क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल तो सिंपल सा है, जब आप डाउनलोड कर लोगे, डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों हो जाएगा तो आप ना यहाँ सर्च करना जैम। देखो तो ये ऐसा आ जाएगा, जैम कंट्रोल पैनल, आप इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपाची को स्टार्ट, माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। तो ये स्टार्ट हो गया हमारे पास, तो ये हमारा सेटअप पूरा यानी हो जाएगा। ठीक है, अब सेटअप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना एक डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। तो आपने सर्च करना है डाउनलोड वर्डप्रेस, यहाँ से वर्डप्रेस को ना डाउनलोड कर लेना है। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ये ऑप्शन आ रहा है। हमने डाउनलोड कर रखा होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ डाउनलोड हुआ हुआ है। तो ये वर्डप्रेस डाउनलोड हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको राइट क्लिक करके क्या करना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा कुछ आउटपुट आ जाएगा, फोल्डर जैसा। इस पे आप, इसमें कुछ भी नहीं है, आप राइट क्लिक करना। नंबर देखा देखा लग रहा है। हेलो जी, बोलिए। हाँ राम मनी बोलो। अरे अरे, उसमें कॉपीराइट आ गया, वो उसमें वो था ना, हाँ, वो शार्क टाइम सलाम ने चलाया था ना। अच्छा, मुझे पता नहीं था उसका, तो दोबारा वो काट के अपलोड करूँगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर ना मैंने क्या करा, बीच में ना शार्क टैंक चला दिया थोड़ी देर के लिए, और कॉपीराइट आ गया। थोड़ी देर में आ जाता है। अच्छा हाँ, मैंने मुश्किल से 1 मिनट के लिए चलाई थी वीडियो। आपको ये क्या करना है, इसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर बन जाएगा। ये फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर और आएगा हमारे पास, अभी कंटेंट अभी आ रहा है, आने दो उसको। हाँ, बोलो। सर आपने कल कुछ सिखाया था क्या? कल नहीं, कल नहीं सिखाया परसों भी नहीं, 2 दिन नहीं। था, कल मैंने सिखाया था, कल मैं लिंक भेजना भूल गया था। कल मैंने ये ना सॉफ्टवेयर सेटअप करना सिखाया था, वही दोबारा करा रहा हूँ आज मैं। ओके श्योर सर। हे भगवान, कभी कभी जैसे मैं भूल जाता हूँ तो याद दिला दिया करो, ऑनलाइन भी है। चलो हो गया वैसे इंस्टॉल ना, और ये हो गया ना, एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास पूरा फोल्डर सेटअप होके आ गया है। अच्छा, हम ना वो फिग्मा का लेआउट पढ़ा ना तुम्हारे पास, मेरे पास इसमें फिग्मा का लेआउट है जो बनाया था हमने एडिडास का, इसमें है क्या इसमें, किस आईडी से बनाया था तुमने, किससे? दारा का बनाया था ना मैंने। हाँ, ज़ारा का बनाया था ना तुमने, तो वो पढ़ा है इसमें। अच्छा, तुमने महंगे ब्रांड का बनाया था, ये रहा है ना। चलो हम ये वाला डिजाइन करेंगे आज वर्डप्रेस के अंदर, कोई नहीं, जितना बना उतना ही बनेगा, कौन सा पूरा बना लेगा एक दिन में। पता है, क्लास में बैठ के मैं ना मतलब डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। और जो मेरे से क्लाइंट बोलता है ना, अगर इतना ही बोलेगा कि इतना डिजाइन करके दे दो, मैं पता 4 दिन लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे बैठ के धूप भी जाता है, घर पे भी नहीं। मेरे से क्लाइंट बोलेगा ना कि कर दो, मैं 4-5 दिन लगा दूंगा, सर मेरे को बहुत टाइम लगेगा अभी से, और क्लास क्लास में मैं मारता हूँ पूरा।
ये तो बहुत बुरा था बनाया तुमने, कोडिंग से सही लग रहा था। यहाँ तो बुरा सा लग रहा है, इसका नहीं बना रहे फिर। चलो तो हम एक काम करेंगे, हम ना लिबास की वेबसाइट की कॉपी क्लोन बनाएंगे। देखो हमने डाउनलोड कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, जितने ये हो रहा है आपको एक नया स्टेप ओवर फॉलो करना है। यहाँ पे जाना, आप सर्च करना लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, सर्च करना आपने इसके ऊपर यूआरएल में करना है। ये ध्यान रखना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, बताऊंगा नहीं मैं दोबारा। तो जब आप लोकल हो स्लैश पी एच पी माई एडमिन डालोगे तो ये डाटाबेस का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा हमारे पास। आपने क्या करना है, यहाँ पे ना न्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप न्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ डाटाबेस का नाम पूछेगा, तो हम एक काम कर रहे हैं लिबास लिख देते हैं इसके डाटाबेस के नाम में, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, आपने बस ना ये इतना करने के बाद क्रिएट कर देना है। तो देखो हमारे पास कौन कौन से स्टेप थे, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया, और हमने पी एच पी माई एडमिन में जाके लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन स्पेस नहीं देना, स्लैश लगाना है, एंटर मार देना है। ठीक है, इतना सेटअप कर लिया, यानी यहाँ तक तो चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये डाउनलोड किया था, अभी 98% हुआ है, अभी 2% अभी भी रह रहा है एक्सट्रैक्ट करने पे। हो गया एक्सट्रैक्ट, अरे वाह हो गया। अब ये देखो वर्डप्रेस ही आ रहा, सारी फाइलें नहीं आई मुझे लग रहा है। ये वर्डप्रेस सही डाउनलोड नहीं हुआ हुआ लग रहा है मुझे, इतनी फाइल थोड़ी ना, ये और भी फाइलें होती है। क्या बात कर रहे हो, सही में? एक सेकंड में चेक कर लो अपने, मेरे हिसाब से तो कई सारी आती है। फिर मैं चेक करिए जितनी फाइल है। हाँ कितनी है फाइल, ज्यादा है ये काम है। तो मैं एक काम करूँ फिर, आ जाओ कि डिलीट मार रहा हूँ दोबारा से हाँ। दोबारा नहीं चला, मतलब जैम नहीं चला, ऑफिस में चलाया था, चला ही नहीं। जैम नहीं चला, क्या नहीं चला? जैम भी नहीं चला ना, वर्डप्रेस चला ना, मेरा रात को तो बंद किया था मैंने। हाँ मैंने बंद कर दिया। कैसे बंद हो गया? नहीं मैंने बंद कर दिया था, मैंने हाँ 10:30 बजे। हाँ चलो देखो वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे जाना है, डाउनलोड सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल। वो बहुत जल्दी डाउनलोड हो गई। तो शो इन फोल्डर, सर आपने लगा रखी है तो निकाल दे, मेरा चार्जर है। ये पता क्या हो जाता है, जब ना तुम जैम्प यूज करते हो और ना डायरेक्ट बंद कर देते हो ना, जैम्प बंद जलना बंद हो जाता है। हाँ तो डायरेक्ट बंद नहीं करते, पहले से स्टॉप करते हैं, फिर उसके बाद नहीं, होता। वो तो लॉग आउट कर दिया था मैंने। हाँ नहीं तो इसको 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 सी इसे इसे स्टॉप दिया था नहीं। हाँ इसे डायरेक्ट मत बंद किया करो तो दिक्कत करता है। चलो हो गया हमारा ये वर्डप्रेस डाउनलोड। शो इन फोल्डर, ये बहुत चीज मुझे बुरी लगती है, मतलब बहुत से स्लो है वर्डप्रेस, मतलब ठीक
डाउनलोड करो। चलो ये आ गया, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट ऑल। मैं एक्सट्रैक्ट यहाँ नहीं कर रहा, मैं ना सीधा फोल्डर में कर रहा हूँ, तो यहाँ से कट करके पहले कट कर लिया इसको मैंने। देखो हमारे पास जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव में जाके, कहाँ पे किया आपने वो, डी ड्राइव में किया है, माई सर्वर के नाम से किया शायद, नहीं कहाँ करा है, जैम्प सी ड्राइव में, हाँ शैली के नाम से। और यहाँ एस टी डॉक आपके जैम के नाम से फोल्डर बन के आएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना डिजाइन जो है वो पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया हमने, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके बाद राइट क्लिक करना है, यहीं पे रखनी है फाइल। कहाँ पे, जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे ना तो सी ड्राइव में जैम के नाम से फोल्डर बनेगा, या आप जो भी वहाँ पे इस टाइम नाम दोगे उस नाम से फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर एस टी डॉक्स लिखा होगा, उसके अंदर फोल्डर आपने ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन राइट क्लिक करना है आपने, एक्सट्रैक्ट कर देना इसको, हे भगवान मेरे। हाँ स्टार्ट करने का ऑप्शन ही नहीं रहते हैं, मतलब अलग अलग होना है क्या, माई सर्वर के नाम से हो गया, एक सर्वर के नाम से दोबारा करा था, ये तो मुझे लग रहा बना ही नहीं है, ये नहीं बना। दूसरा माई सर्वर के नाम से, ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टार्ट कंट्रोल, हाँ स्टार्ट चल जा, छः तो चल गया, पाँच ही तो माई स्क्वेल चल तो गया, ये दोबारा चालू करना पड़ेगा क्या, हाँ ये हर बार चालू करना पड़ेगा, किसी ने ना साइड करेगा, आप चेक कर जरा तो ये जितनी बार है ना हमेशा जैम को स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, तभी चलेगा। और किसी की वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पर, चलो हो गया ये, तो आपका ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया, यहाँ पे हो चुका है। मैं इसका नाम जो है ना चेंज कर लेता हूँ, वर्डप्रेस 6.1 लिखा हुआ है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ शैली, SHAILY ना। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश शैली, ठीक है, एंटर मार देंगे यहाँ पे, तो ये ऐसा सेक्शन ओपन होके आ गया। ये देखो वर्डप्रेस लिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ये देखो वर्डप्रेस का सेटअप आ गया, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेस्ट कर देना इसको, कंटिन्यू। बस अब ये आपसे पूछेगा डाटाबेस का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और होस्ट नेम क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर आ जाओ। देखो डाटाबेस का नाम जो है, पहले लेट्स गो कर देना। डाटाबेस का नाम हमने रखा था लिबास, है ना। ये लिबास नाम यहाँ पे रहेगा, इसका नाम रहेगा रूट, ये रहेगा पासवर्ड ब्लैंक, ये लोकल होस्ट, और ये सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। यही सब कुछ फॉलो करना है आपने। देखो यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देना। अब आपके पास देखो यहाँ पे लिखा है साइट का टाइटल, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ लिबास। यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे फेसबुक पे बनाते हो यूजर नेम पासवर्ड, इसका यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो, वहां पे सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इसका नाम मैंने एडमिन दे दिया, पासवर्ड भी मैंने एडमिन कर दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हाँ कन्फर्म है, और यहाँ पे मैंने कोई ईमेल आईडी डाल दी, और यहाँ पे आपको बस क्या करना है, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना, इसको अनचेक रखना है। तो हमारा वर्डप्रेस क्या हो गया, सेटअप हो गया है। तो ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉगिन किया, यूजर नेम क्या था हमारा एडमिन, पासवर्ड भी था एडमिन, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन होके आ गया। अगर आपकी वेबसाइट जैसे क्या नाम है, इस तरीके से देखो डिफॉल्ट आएगी, वो इस तरीके से आएगी, यहाँ से आप चेक कर लेना, इस पे क्लिक करके विजिट साइट, तो आपकी जो डिफॉल्ट साइट आएगी वो ऐसी कुछ दिखाई देगी, ऐसी। तो आपने अगर लॉगिन करना है एडिट करने के लिए, तो इसके आगे wp-admin लिखना है, स्लैश लगाना है और एंटर मार देना है, तो यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन या डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से आप इस तरीके से यानी डैशबोर्ड पे आ सकते हो। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर थीम लेनी है कोई, तो पहला स्टेप हम सीखेंगे थीम कैसे लेते हैं इसके अंदर। ये थीम बेस ज़्यादा होता है यूज, आप खुद से भी अपना डिज़ाइन बना सकते हो, पर थीम बेस ज़्यादा चलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे अपीयरेंस, अपीयरेंस में थीम का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देना। तो हम ना ऐसी वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं, wp-admin, तो आपने ना क्या करना है, देखो तीन थीम यहाँ पे डिफॉल्ट देता है ये, ठीक है, बाद में कर लियो, अभी पहले इस देख ले, तीन थीम डिफॉल्ट देता है। आप उन्हें क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, कई सारी थीम और दे देगा। तो ये वाली जो थीम है ना, ये कौन से नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे, ये वाली थीम सबसे ज़्यादा यूज होती है। इसका नाम है ओशियन WP, आप इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्लिक करा, कोई और सी थीम चाहिए तो वो भी ले सकते हो, पर ये वाली थीम मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। हे ईश्वर मेरे भोलेनाथ प्रभु, यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आएगा, इस पे क्लिक कर देना, हो गया ये सेट, ठीक है। अब जरा इसे रन करके देखते हैं, जब आप एक्टिवेट कर लोगे ना तो इसका लुक चेंज हो जाएगा, ये देखो लुक चेंज हो गया इसका। अब आते हैं हम ना, ये इस पे कुछ काम नहीं करना मुझे, मुझे बस ये कलर फॉन्ट ये सब चाहिए था, बाकी मैं एक काम करता हूँ, मैं ना खुद से ना सब कुछ डिलीट करके और एक नई तरीके से बनाऊंगा वेबसाइट।
तो आपने थीम लेना सीख लिया, थीम को एक्टिव करना सीख लिया। अब आपके पास एक ऑप्शन आएगा या कस्टमाइज, इस पे आप क्लिक कर देना। कस्टमाइज पे क्लिक करोगे आप तो नीचे देखो यहाँ पे लिखा आएगा होम पेज सेटिंग, कहीं पे आ रहा होगा होम पेज सेटिंग, कहीं आ रहा, ये रहा। इस होम पेज सेटिंग पे आप क्लिक कर देना। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा स्टैटिक पेज, स्टैटिक पेज पे क्लिक कर देना। अब आप यहाँ से ऐड न्यू पेज करना, इसका नाम कुछ भी दे देना, तो मैंने होम नाम दे दिया, और ऐड कर देना। तो जैसे ही आपने इसे ऐड किया तो देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, आप इसे पब्लिश कर देना। हो गया ये सेट, अब इसे बंद कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन करने के लिए पहले ना मैं ये हटा देता हूँ, ये जो होम लिखा रहा है, तो ये होम हटाना होता है तो इसका ऑप्शन देखो कहाँ आता है, बिल्कुल आपने मेरी कॉपी करनी है। रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कहीं रिकॉर्डिंग ना हो रही है ये, और ये हो रही है। यहाँ पे ना आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, लाइक यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में आपको ये वाला पेज, ये हटाने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा रहा है पेज टाइटल, इसे पेज टाइटल बोलते हैं। यहाँ पे देखो स्टाइल लिखा रहा है, इसको मैंने क्या करा, हिडन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइड हो जाएगा ये, ठीक है। पब्लिश कर लिया, तो जो होम लिखा रहा था वो हमने क्या करा, हिडन कर दिया। सेकेंड, अब ये चाहता हूँ मैं, ये हेडर भी मुझे ये नहीं चाहिए और नीचे फुटर भी ये नहीं चाहिए, सब कुछ अपना बनाना खुद से, तो हम इसको बंद कर लेते हैं। इतना सेक्शन हो गया हमारा, क्लीन हो गया है, वो नहीं आ रहा, ठीक है। आपने एक चीज़ और कर सकते हो, एडिट पेज पे चले जाना। एडिट पेज पे जाने के बाद आपके पास यहाँ टेम्पलेट लिखा आएगा, टेम्पलेट में डिफॉल्ट टेम्पलेट की जगह आपको यहाँ, अच्छा अभी तो यहाँ पे वो लिखा आ रहा है, चलो ठीक है, तो मैं पहले बैक कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, आप नया स्टेप क्या लेना है, आपने प्लगइन में जाना है, प्लगइन में ऐड न्यू प्लगइन लिखा आएगा, यहाँ पे आप कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। जैसे एक प्लगइन का नाम था OceanWP, OceanWP सॉरी एलिमेंटल, एलिमेंटल प्लगइन है। आप एलिमेंटल प्लगइन को पे यहाँ पे एलिमेंटल सर्च करना। कैसे किया मैंने, प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है, एलिमेंटर पे आप यहाँ क्लिक कर देना। देखो इंस्टॉल नाउ पे, आप चाहो तो ये इस पे भी क्लिक कर सकते हो, ये भी काम का है। आप चाहो इस पे भी क्लिक कर सकते हो, आप चाहो तो इस पे भी क्लिक कर सकते हो। चार ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिए, और चाहो तो बस ये चार ही बहुत है अभी के लिए। तो मैंने चार यहाँ पे प्लगइन क्या करे, इंस्टॉल कर लिए इस तरीके से। तो आज मैं पहले आपको ना ये पूरी वेबसाइट ना क्लीन करना बताऊंगा, मैं तो ये पूरी वेबसाइट को क्लीन करके हम अपनी तरीके से कैसे बनाएंगे। अभी तो देखो ऐसी आ रही है, प्लगइन हमारे इंस्टॉल होने दो, इंस्टॉल होने में होने देते हैं इनको। हो गया एक, तो इसे मैं काम करता हूँ, एक्टिव कर लेता हूँ। अभी पहले उनको भी होने देते हैं, एक साथ करेंगे एक्टिव। ये हो रहा है, ये हो रहा है, पहले एक ही कर लेते हैं, चलो छोड़ो से, ये वाला चाहिए होगा पर मुझे, बाद में करते हैं इसको, पहले इसका एक्टिव कर लेते हैं, लीव कर देते हैं। हो गया ऐसे दो पे, तो जैसे ही आप इसे एक्टिव कर दोगे तो ये ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। इसको बंद कर लेना यहाँ से, और कुछ नहीं करना इसमें। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने एक्टिव कर लिया, डैशबोर्ड हमारा इस तरीके से आ गया है। अब हम एक काम करेंगे, विजिट साइट करके देखते हैं, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया, इससे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐसा कैसा आ रहा है, आप एडिट पेज पे जाना। अब एडिट पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो लिखा आएगा
टेम्पलेट, अब इसके अंदर पहले ही दो ऑप्शन आ रहे थे, अब तीनों चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं एलिमेंटर फुल विथ ले लूँगा और अपडेट कर दूंगा इसको, तो मतलब अब क्या आ जाएगा, इसकी फुल विथ आ जाएगी। अब जरा चेक करते हैं हम दोबारा से, ये पेज था हमारा, रिफ्रेश किया हमने तो देखो फ़र्क आ गया, वो जो स्क्रीन जितना आ रहा था वो कंटेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है चलो, तो हमारा एलिमेंटर ने क्या करा, ये सब रिमूव कर दिया। मुझे ये दोनों भी नहीं चाहिए, चलो ये दोनों भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपने ना क्या करना है, फिर से प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन कर देना है। प्लगइन में जाने के बाद आपको यहाँ फिर सर्च करना है वही वाला एलिमेंटर, आपके पास किट लेना, पर मैं पहले एलिमेंटर ही डाल देता हूँ तो उसी में आ जाएंगे सारे। अब मुझे ये वाला चाहिए एक्टिवेट, तो अब मैंने सेकंड वाला प्लगइन ले लिया एक्टिवेट, तो दो ही प्लगइन बहुत है अभी तक अभी के लिए, तो इसे भी मैंने एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, तो दो प्लगइन यूज़ करें, एलिमेंटर, एलिमेंटर ने अभी क्या करा था, उसे पूरा फुल विथ कर दिया था, सब कुछ हटा दिया था। अब ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, आपको एलिमेंटर किट में देखो यहाँ लिखा आ जाएगा, जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे यहाँ पे हेडर एंड फुटर लिखा आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना, तो इससे आप कस्टम हेडर फुटर बना सकते हो। तो देखो आपको बस क्या करना है, सबसे पहले नेस्ट 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 और नेस्ट और सेव, तुम्हारा ये सेट हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम हेडर फुटर क्रिएट करते हैं। तो देखो हेडर में जाना है, हेडर फुटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू, यहाँ पे हेडर चूज कर लेंगे, यहाँ एंटायर फाइव वेबसाइट करना है, इसका नाम आप कुछ भी दे देना, इसका नाम हमने हेडर दे दिया, इसे ऑन कर लेना और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब जरा हम चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक किया तो देखो क्या हो गया, हेडर गायब हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, फुटर भी लेते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस आना है इस पर फुटर पे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फुटर बनाते हैं ऐड न्यू, यहाँ पे इसे ऑन कर लेना है, यहाँ पे हेडर की जगह फुटर चूज करना है, यहाँ पे लिख देना है फुटर, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सेव कर लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो हमारे पास हेडर फुटर दोनों गायब, तो मतलब अब क्या हो गया, हमारे पे पूरी स्क्रीन फुल आ गई है। ठीक है, अब हम चाहते हैं हेडर हमें अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, फुटर हमें अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ना ये इसकी बिल्कुल क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे, ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखो वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, जैसे कि आप इसे सेव कर लो, इसका नाम रखते लोगो। ठीक है, यहाँ मैंने लोगो रख लिया, यहाँ पे इमेज है ना, ये वाला फॉर्मेट शायद लेगा नहीं, तो कोई बात नहीं है, देख लेंगे। अच्छा, तो देखो हमने हेडर ये था हमारा, ये कहाँ आता है, एलिमेंटर किट में हेडर एंड फुटर। ठीक है, आपने क्या करना है, ये देखो ये हेडर एक्टिव हो रखा है, मैं यहाँ पे इसे एडिट कर लूँगा, एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट कंटेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास हेडर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आज हम हेडर सीखेंगे, कल फुटर सीखेंगे, फिर उसके बाद कंटेंट सीखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हेडर बनाने का यहाँ ऑप्शन आ गया। आपको क्या करना है, मुझे देखो हेडर कैसा चाहिए, अब तो मुझे एक दो तीन चार कॉलम चाहिए इसमें। ठीक है, ये चार कॉलम है ऐसे, एक दो तीन चार, तो मुझे चार कॉलम चाहिए, तो आप एक काम करना, इस पर क्लिक करना, चार कॉलम पे क्लिक कर देना। आगे लोगो में देख लेता हूँ, मुझे लगता नहीं ये वाला लोगो आएगा, एक बार चेक कर लेते, तो उठा के लोगो को मैंने यहाँ रख दिया, आ गया, लो लोगो भी नहीं आ रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो लोगो एक काम करते हैं, नेट से ले लेते हैं, लिबास लोगो PNG। चलो ये वाला लोगो ले लेते हैं,
अब ये लोगो मुझे कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है इसमें, है ना। तो देखो ये डाउनलोड तो हो ही गया है, आपको उठा के यहाँ पे ऐसे रख दो, ठीक है। इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट मार दो जो पहले आ गया था। चलो ये हमारा लोगो लग गया। आप चाहो तो लोगो की विथ हाइट कम कर सकते हो। देखो स्टाइल में जाओगे तो यहाँ विथ लिखी आ रही है ये री, तो कितनी कम ज़्यादा विथ चाहिए आप यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा लोगो ऐसा आ गया इस तरीके से। सेकेंड मुझे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना ये आइकन थोड़े से एरिया में चाहिए, तो ये उठा के इसे छोटा कर देते तो यहाँ पे आइकन आ जाएगा हमारे। इसमें सर्च बार मुझे थोड़ा सा इधर इतना चाहिए, तो यहाँ से उठा के इधर रख दिया हमने से। लोगो मुझे थोड़ा छोटा करना है, तो लोगो को मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ मेरा मेन्यू बार आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे आइकन चाहिए पहले, तो मैं आइकन के लिए जगह सेट कर लेता हूँ। यहाँ आइकन चाहिए, तो देखो आप ये जो 9 बॉक्सेस बने आ रहे हैं ना, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो इनर सेक्शन आ रहा होगा, आप इनर सेक्शन को क्लिक करना और ये उठा के यहाँ रख देना ऐसे। दो चार, अगर आपको चार आइकन चाहिए तो इस पर क्लिक करना कॉर्नर पे और डुप्लीकेट कर लेना इसको। 3 4, तो चार आइकन हमारे यहाँ पे, चार के लिए हमने एरिया बना दिया इस तरीके से। अब मुझे आइकन लगाने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ देखो सर्च विजिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आइकन सर्च करना है। तो यहाँ पे देखो आइकन आ गए, ठीक है। आपने क्या करना है, आइकन को उठाना है और इस जो मैंने बनाया था ना, इसे उठा के यूँ ड्रैग कर देना है, तो आइकन यहाँ लग जाएगा। आइकन हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। ऑल आइकन पे क्लिक करना है, मुझे चाहिए कार्ट का, तो आप यहाँ पे कार्ट सर्च कर लेना। तो देखो कार्ट सर्च किया, तो देखो हमारे पास ये वाला कार्ट का आइकन आ गया ऐसे, और इंसर्ट पे क्लिक कर देना, तो देखो यहाँ पे आइकन आ गया। ये आइकन इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं पास, ठीक है। तो ये आइकन आ गया। आइकन की साइजिंग को ना थोड़ा बहुत कलर वलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल में गए, यहाँ से कलर इसका चेंज हो जाता है, लाइक यहाँ से आप कलर को ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इसके साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से कितना साइज कम ज़्यादा चाहिए ऐसे, ठीक है। अब मुझे दूसरा चाहिए यहाँ पे, तो आपने फिर से आइकन सर्च किया, फिर से आइकन को मैंने क्या, चलो मैं काम करता हूँ, मैं दूसरा नहीं लेके चल रहा, मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ। इसको मैंने क्या करा, डिलीट मार दिया। इसको भी मैंने क्या करा, डिलीट मार दिया। इस पर क्लिक किया मैंने, डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट, और कंट्रोल डी शॉर्टकट होती है डुप्लीकेट कमांड की। तो चार बार मैंने ऐसे आइकन ले लिया, और ये लास्ट वाले को मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुझे दूसरा आइकन चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब की बार मुझे उसका चाहिए लाइक का, फेवरेट का, तो यहाँ मैं फेवरेट सर्च कर लेता हूँ। तो फेवरेट वाला आइकन ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे फेवरेट का आइकन आ गया। अब की बार मुझे चाहिए ट्रक का, तो यहाँ मैंने ट्रक सर्च किया, तो ट्रक वाला आइकन मेरे पास ये आ गया, इंसर्ट कर दिया। अब मुझे चाहिए किसका, यूज़र का, तो यहाँ पे हमने डाला यूज़र, और यूज़र को हमने यहाँ पे करके ऐसे इंसर्ट कर दिया। तो चारों आइकन क्या हो गए हमारे, यहाँ लग गए, ठीक है, ऐसे सेट हो गए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, यहाँ वर्टिकल लाइन लिखा रहा है, यहाँ पे मिडल कर सकते हो, तो ये बिल्कुल मिडल में आएगा इससे, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये सब कुछ सेक्शन आ गए हैं। अब मुझे सर्च का आइकन और चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे क्लिक करके, आप सर्च के और भी ऑप्शन है, पर अभी फिलहाल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, हेडर सर्च पे क्लिक कर दो। हेडर सर्च को आप यहाँ डाल सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है, आइकन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सर्च का आइकन दूसरा ले लेता हूँ। तो सर्च का आइकन मुझे ये सही लग रहा है, इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये आइकन हमारा सर्च का ऐसे आ गया, ठीक है। कहाँ चाहिए आप इस पर क्लिक करना, देखो तो ये ऐसा सर्च खुलेगा इससे, ठीक है। और ये मुझे कहाँ चाहिए, मुझे राइट साइड पे चाहिए। तो राइट साइड पे चाहिए, तो इसकी सेटिंग होगी कहीं पे, यहाँ पे स्टाइल में। तो यहाँ पे कहीं अलाइन दिखा रहा है ये देखो ये आ रहा है अलाइन, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमने ऐसे रख लिया यहाँ पे। इसका साइज़ मैं कम कर लेता हूँ, मुझे इतना ही चाहिए बस ये, तो मैंने ऐसे सेट कर लिया। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ऐसे ड्रैग करके, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, क्योंकि मेन्यू का थोड़ा बड़ा होगा हमारा, चाहो तो और छोटा हो सकता है ये, तो हेडर समझ में आ गया ना, बन गया ना हमारा ये। कोई फ्लोट लेफ्ट नहीं लगाना इसमें, कोई फ्लैक्स नहीं लगाना, ठीक है।
चलो ये आ गया हमारा सर्च बार, ठीक है ये आ गया। यहाँ पे हमारा मेन्यू बार आ जाएगा, मेन्यू बार हमारा इधर आएगा। अभी ये सिस्टम के लिए है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मेन्यू भी ले लेता हूँ, और मेन्यू मुझे लिया लिखना पड़ेगा। मेन्यू के लिए क्या करें, अभी मैं अपडेट मार देता हूँ इसको, मेन्यू भी बना ही लेते हैं। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं पहले कि ना मोबाइल में कैसा दिखाई दे रहा है। देखो मोबाइल में बनाना होगा तो मोबाइल के लिए आप देखो यहाँ रिस्पॉन्सिव मोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये टैबलेट के लिए हो जाएगा। टैबलेट में ये ऐसा दिखाई देगा और मोबाइल में ये ऐसा दिखाई देगा, नीचे आ जाएगा आइकन। अब मोबाइल में भी ये ठीक करने एक लाइन में लेके आना है, तो आप इस पर क्लिक करना। इसको मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ ये ना गायब ही हो जाए मोबाइल में, नहीं गायब तो नहीं, एक लाइन में ले आता हूँ। हाँ तो या तो मैं इसे वो कर देता हूँ 50, अभी तो फिलहाल 80 कर देता इसे। ये ऐसे आ रहे हैं, इसको मैं 20 कर देता हूँ, इसको भी मैं 20 कर देता हूँ, मतलब विथ कर रहा हूँ 20%, इसकी भी विथ मैं 20% कर देता हूँ, और इसकी भी विथ मैं 20% कर देता हूँ। ये मेरे सारे आइकन यहाँ ऐसे आ गए, यहाँ मेरा मेन्यू बार आएगा, यहाँ आइकन आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ सर्च बार आ रहा है, ठीक है। मोबाइल में ऐसा आ रहा है, चाहो तो मोबाइल में इसकी विथ भी कम कर सकते हो। ऐसे ठीक है, लोगों की थोड़ी विथ कम हो गई। अब देखो सिस्टम में क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है, सिस्टम में ऐसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है, टैबलेट पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो सब पे अलग अलग हमने क्या करा, सेट कर दिया इसे। पर ना मुझे लग रहा है कि ना सिस्टम में ना इसकी विथ ना कम ज़्यादा हो रही है, इनकी ओवरलैप कर रही है, तो हम एक काम करते हैं इसके लिए, कैलकुलेट सही से करते हैं। अब इसकी साइज़ कितनी है, 15%, इसको मैं पूरा 15 कर देता हूँ यहाँ पे 15। इसकी कर देते हैं, इसकी अभी कितनी है 65, इसको कर देते हैं 65। 65 और 15 कितना हो गया, 80 हो गया ना, इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 2। अच्छा ये हो गया, ये तो ये इसको कर देते हैं, ये पूरा सेक्शन है क्योंकि 65 और 80 कितना, 5 कितना हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, इसे कर देते हैं 15। अब ये जो आइकन है इनका साइज कर देते हैं, ये कितने 4, ये इसके अंदर है, इसका साइज कर देते 25। अब इसका साइज मैं 25 कर दिया है, तो आप इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक पेस्ट लेयर स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, तो यही साइज सेम इसका हो गया। राइट क्लिक किया, पेस्ट स्टाइल, यही साइज का हो गया, और यही साइज अब इसका हो गया होगा, चारों का साइज सेट हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और हम कर देते हैं यहाँ पे अपडेट। अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए मुझे, मेन्यू बार चाहिए मेन, तो मेन्यू बार बनाना थोड़ा अब मुझे बनाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है वो, तो हम चलो बना लेते हैं। यहाँ पे जाओगे आप तो यहाँ पे देखो मेन्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना मेन्यू का, तो मेन्यू नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ इसे मेन कर देना और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपको कौन कौन सा मेन्यू में देना है वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। कस्टम लिंक लिखा होगा, यहाँ लिख दिया मैंने होम चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल हैशटैग लगा देता हूँ ऐड टू मेन्यू, अबाउट, हैशटैग मेन्यू, प्रोडक्ट्स। तुम लोगों को ना वर्डप्रेस के बाद बूटस्ट्रैप, वर्डप्रेस के बाद बूटस्ट्रैप, फिर मैं तुम्हें ब्रेक दे दूंगा, थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगा फिर मैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। गैलरी और कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे क्या करा, ऐसे अलग अलग मेन्यू बना रहे हैं, ऐड टू मेन्यू हो गया, सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, बस अब सेव कर लेते हैं, तो ये सेव हो गया होगा, यानी मेन्यू बार हमारा बन गया है।
अब मेन्यू बार मुझे क्या करना है, मैंने एक टैब पे तो बना लिया, अभी मुझे यहाँ लगाना है। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जाना है और मेन्यू सर्च करना है। मेन्यू मेन्यू सर्च किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ऑप्शन हमारे पास, मेन्यू कार्ट आ रहा है। एक तो ये मेन्यू कार्ट क्या है, काम नहीं कर रहा ना ये प्रो वर्जन के लिए। चलो ठीक है, एलिमेंटर किट पे जाएंगे। यहाँ पे देखो, इसे उठा के मेन्यू कार्ड को उठा के यहाँ रख देना है। यहाँ पे यार सेव कर लेते पहले, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया ना, वही विंडो चल रही थी इसलिए ये रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। मैं एक बार एक काम करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ तो देखो, हमारा हेडर देखो ऑलमोस्ट बन गया है इस तरीके से। ठीक है, तो हमने इसका सेम हेडर बना दिया, पर कोडिंग में जल्दी बन जाता है ना। यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ मेन्यू चूज कर लेना है। देखो मेन्यू हमारा यहाँ ऐसे मेन्यू आ गया। ठीक है, आपको मेन्यू बार की फॉन्ट की ये सब स्टाइलिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, स्टाइल में जाके। तो देखो यहाँ पे सारी स्टाइलिंग आ जाएगी इसकी, मेन्यू आइटम स्टाइल, ये रहा कौन सा टाइपोग्राफी, कौन से कलर चाहिए, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। टाइपोग्राफी नहीं अच्छी लग रही मुझे तो पहले, तो टाइपोग्राफी में फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फैमिली कौन सी वाली, पॉपिंस ले लेते हैं। तो ये फॉन्ट आ गया पॉपिंस। ठीक है, फॉन्ट का वेट मुझे कम करना है, डिफॉल्ट आ रहा है, मैं इसे लाइट कर देता हूँ। ये ऐसा आ गया, तो ये मेरा इस तरीके से आ गया। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर ये चीज़ ये ठीक कर लेते हैं। ये ऊपर जा रही है तो इसे सेंटर मिडल कर लेते हैं। ये मिडल आ गई, इसे भी सिलेक्ट किया, इसको भी मिडल कर दिया। तो देखो बिल्कुल मेन्यू बार हमारा रेडी हो गया है ऐसे। ठीक है, एक टॉप बार भी चाहिए मुझे, तो मैं एक टॉप बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। एक और सेक्शन आ गया, इसमें मैं दो स्क्रीन का ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर दे देता हूँ। मैं कोई कलर दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक और यहाँ पे अपडेट मार दिया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ लिख देता हूँ इसके अंदर ऐसे, इसको ये स्पैन कर देता हूँ और कलर का मैं इसका वाइट कर देता हूँ। फॉन्ट लाइट मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, यहाँ पे टाइपोग्राफी में ही ऑप्शन होगा, सेमी बोल्ड की जगह लाइट, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, बस अब मैं अपडेट मार लेता हूँ। तो देखो हमारे पास यानी हेडर पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी डिज़ाइन करना होगा हम धीरे धीरे ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास विजिट साइट करने पे क्या हो रहा है, ऐसा कोई डिज़ाइन आ रहा है, आ गया समझ में। तो हमारा हेडर देखो प्रॉपर डिज़ाइन हो गया इस तरीके से। ठीक है, मोबाइल में देखते हैं, तो मोबाइल में देखो रिस्पॉन्सिव भी होगा ये, तो मोबाइल में ये देखो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है ये। क्लिक कौन सा, हाँ हाइट भी कर सकते हो, अगर तुम्हें हाइट करना है तो हाइट भी कर सकते हो, हाइट करने का भी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अभी मैंने हाइट नहीं किया था इसलिए अभी शो कर रहा है ये, समझ में आ गया ना। तो आप इस तरीके से लाइक क्या कर सकते हो, हेडर डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपने आज क्या करना है, ऐसे ही हेडर डिज़ाइन करना है बस। ठीक है, एक नया सेटअप बनाना और उसमें हेडर डिज़ाइन करना, बिल्कुल सेम क्लोन बनाने की कुछ करना है इसी तरीके से। अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना दिव्या, तुमको कुछ समझ में आया इसमें? यस सर, समझ में आ गया। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो जो एक बार कर लूंगी तब पता चलेगा। हाँ, कॉपी लेके बैठना पहले ना, रिकॉर्डिंग देखना और सारे लिख लेना फिर इसके बाद, ओके क्योंकि सर, इसमें ना मतलब इसमें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें। ओके सर। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ। हाँ हाँ सर आपने बताओ। एक कल वेबसाइट सिखाई थी मीरो नाम की कुछ। मीरू नाम की कल वेबसाइट मैंने, नहीं, 2-3 दिन पहले जब वो खत्म हुई थी सर, वो एक्चुअली जो आपने वो इम्पोर्टेंट का बताया था बीच में, वो खराब हो गई थी लास्ट में। हाँ। तो सर उसमें इम्पोर्टेंट का लगाते हैं जो ठीक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट तब लगाते हैं जब आप दो बार CSS यूज कर रहे हो किसी चीज की, अगर आपकी वर्क नहीं कर रही तो आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। अगर आपने दो बार एक ही कमांड दो बार यूज कर रखी है तो आप जिस पे इम्पोर्टेंट लगाओगे ना वो वर्क करेगी। ठीक है, एक्चुअली सर जैसे आपने उस दिन सिखाया था, आपकी भी थोड़ी जब लास्ट में सब कुछ हो गया तो बिगड़ गई थी, आपने कहा बाद में सही कर लेंगे। अच्छा वो, हाँ अच्छा, मैंने वो लगाया था पोजीशन रिलेटिव। अब वो पोजीशन रिलेटिव मुझे जब दो दो जब पे लगाना पड़ रहा था ना, इस वजह से वो बिगड़ रही थी, तो वो चीज़ जावास्क्रिप्ट से हमें सेट करनी पड़ेगी, इसलिए ओके मैंने वो सर, छोड़ दिया था। ठीक
ठीक है, सर। चलो तो अभी आज को आपको यही बनाना है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो तो हमारे पास बन गया, ये रिकॉर्डिंग कहाँ हुई है हमारी।